नमस्कार, आज मैं आप सबको दर्शन कराने वाला हूँ इतिहास के पुराने मंदिरों में से एक मनु टेंपल की। तो हेलो गाइस, अब मैं आ चुका हूँ मनु टेंपल पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी आपको मैं मंदिर दिखाऊंगा, बट मैं पहले बता दूं कि मैं अभी हडिम्बा टेंपल से आया हूँ। मुश्किल से बाय कार मुझे 5 मिनट लगे और आप बाय वॉक आओगे तो 10 मिनट है। बीच में क्लब हाउस पड़ा था, बट हमें क्लब हाउस नहीं जाना था अभी, वो बच्चों के लिए, तो आप उतना मैटर नहीं करता जाना ना जाना। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, मैं मनु टेंपल में आया हूँ। पहले आप मंदिर देख लीजिए यार, भव्य मंदिर, सुपर्ब यार। ये मंदिर आपको मॉल रोड से 3 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है, 3 किलोमीटर ठीक है, आ सकते हो। तो दोस्तों, इस मंदिर की कहानी है, यह प्राचीन मंदिर बहुत ही पुराने समय से मनाली के क्षेत्र के व्यास नदी के किनारे बना हुआ है। इस मंदिर का मुख्य मार्ग का रास्ता तकरीबन 3 किलोमीटर है। वेद और शास्त्रों के अनुसार यहाँ पर एक पुरानी मान्यता है जिसके अनुसार मनु नाम के एक ऋषि थे, संसार के पहले मनुष्य थे, जिनके पिता सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी थे। स्थानीय लोगों का मानना है कि मंदिर के अंदर ऋषि मनु के पद के चिन्ह बने हुए हैं और वैसे भी इसे ऋषि मनु के पहले कदम की छाप बताते हैं। इन सभी के अलावा पुरानी मान्यता ये भी बताती है कि सृष्टि के रचना के वक्त जब ऋषि धरती पर आए थे, तब उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले साधना की थी। तो दोस्तों, आप मंदिर के अच्छे से दर्शन कर लीजिए और मन्नत मांग लीजिए जो आपके दिल में है। ऋषि मनु हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार दुनिया के पहले पुरुष माने जाते हैं। ऋषि मनु का असली नाम स्वयंभू मनु था, इनकी पत्नी का नाम शतरूपा था। दुनिया के प्रत्येक इंसान की उत्पत्ति इन दोनों से आरंभ हुई थी। तो दोस्तों, ये कहानी थी मनु टेंपल की। आप देख सकते हैं सामने है व्यास नदी, जो आपको मनाली के हर जगह ये आपको दिखेगी और ये बहुत ही खूबसूरत है। शाम के वक्त आप अगर यहाँ जाते हैं तो आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा और सच में आपको बहुत खुशी मिलेगी, जिस तरह हमें मिल रही थी वहाँ पे। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और मेरे वीडियो पे कमेंट करें। मेरा अगला व्लॉग भी बहुत अच्छा होगा, तो दोस्तों वो देखना ना भूलिएगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है।